राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस एवं धन्वंतर जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पहली बार 28 अक्टूबर 2016 को धन्वंतर जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया गया था। यह आयुर्वेद को विश्व स्तर पर चिकित्सा के सबसे प्राचीन और समग्र दृष्टिकोण में से एक के रूप में बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 100 से अधिक देशों में आयुर्वेद की दवाएं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भारत में हर वर्ष धन्वंतर जयंती के दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर धनतेरस के दिन पड़ता है। धनतेरस हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है। यह दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के महत्व को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस की शुरुआत 2016 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और इसे प्रोत्साहित करना, ताकि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाई जा सके। आयुर्वेद एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों आयु और वेद से मिलकर बना है। आयु का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो न केवल बीमारियों का इलाज करने बल्कि स्वस्थ जीवन जीने का मार्गदर्शन भी करती है। आयुर्वेद का लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाए रखना है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घायु रह सके। इसमें आहार, दिनचर्या, योग, हर्बल औषधि और ध्यान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भगवान धन्वंतर हिंदू धर्म में आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का संरक्षक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरी का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था, जब वे अमृत अमरता का अमृत लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें अमृत और स्वास्थ्य जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धन्वंतर की जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। धन्यवाद।